हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के बारे में। तो पहले इस फिल्म की न्यूमरोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। अगर सिर्फ परमाणु को देखें तो टाइटल 27 पैड होता है, 27 9 पैड होता है, मंगल का मार्स का नंबर है। तो फिल्म जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट करती है उस हिसाब से मंगल एनर्जी नंबर ये टाइटल ठीक है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अगर परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण पूरे टाइटल की न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो 103 पैड होता है, 103 चार पैड होता है, चार राहु का नंबर है। राहु बहुत अनप्रडिक्टेबल प्लैनेट है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, कंट्रोवर्सी भी लाता है। इस फिल्म में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, प्रोड्यूसर्स की आपस में लड़ाई हो गई, मामला कोर्ट तक गया, रिलीज नहीं हो रही थी मूवी। फिर उसके बाद अब फाइनली इतनी कंट्रोवर्सी बाद मूवी रिलीज हुई है और फिल्म पैट्रियोटिक भी है। तो ये राहु अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि मुझे तो ट्रेलर थोड़ा एवरेज से ही लगा था, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइए इस फिल्म की स्टोरी जानते हैं। तो शुरुआत होती जॉन अब्राहम से, वो एक अपना प्रपोजल लेके जाता है फ्लॉपी डिस्क में और बोलता है कि ये टेस्ट करने हैं। तो इंडिया का वो टेस्ट भी होता है लेकिन वो फेल हो जाता है और जॉन को उसका जिम्मेदार ठहरा के जॉन को निकाल दिया जाता है। फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ कोचिंग वोचिंग ट्यूशन पढ़ाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है बोमन ईरानी की, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज होता है, और वो जॉन को हौसला देता है कि नहीं हम फिर से टेस्ट करेंगे, तुम अपनी टीम बनाओ। तो फिर से जॉन अपनी ड्रीम टीम बनाता है और पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके ऊपर ही पूरी रियल स्टोरी पर आधारित है मूवी। और इसमें फिर खास बात यह दिखाया कि कैसे अमेरिकन सैटेलाइट से बच के हमने ये टेस्ट करे थे, तो वो इस फिल्म का बहुत अच्छा पार्ट है। तो ये तो फिल्म की स्टोरी थी। फिल्म को बनाया है अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने इससे पहले तेरवीन लादेन 1 और 2 और शौकीन्स बनाई है। तो ये उनकी बहुत ही बढ़िया फिल्म है क्योंकि 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है पर आपको बांध के रखती है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, आपका एकदम बहुत एक्साइटेड रहते हो, थ्रिलिंग मोमेंट्स इतने आपको लगता है अब क्या होगा अब क्या होगा, एक टेंशन पूरी क्रिएट रहती है पूरी मूवी में और आपको बहुत ही मजा आता है। क्योंकि पिक्चर में बैकग्राउंड म्यूजिक संदीप चौटा ने दिया है जो कि वेटरन है और बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी फिल्म के लिए उनको चूज किया गया, तो उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको बांध के रखने में बहुत हेल्प करता है। फिल्म में म्यूजिक सचिन जिगर और जीत गांगुली का है, गाने सब बैकग्राउंड में आते हैं, सिचुएशनल हैं पर स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ऑल इन ऑल अभिषेक शर्मा की बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन है। इस फिल्म को लिखा भी उन दोनों लोगों ने है जिन्होंने नीरजा को लिखा था। नीरजा बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेंट फिल्म थी, रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। इस बार भी वो राइटर्स का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है, एकदम पकड़ बनाए रखता है। इस फिल्म में सब कुछ डाला उन्होंने, ह्यूमर डाला, थ्रिलर डाला, इमोशंस डाले, पैट्रियटिज्म डाला, मतलब सब चीजों का मसाला है और आपको बोर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बहुत एंटरटेनिंग और सीटी मार पिक्चर है पर एक रियल स्टोरी है और आपको बहुत एक देशभक्ति की भावना बड़ी सटल तरीके से आते हैं। जिंगोइज्म ये भारत माता की ऐसा फील नहीं होता है पर एक अंदर एक प्राउड फीलिंग जरूर आती है कि हम इंडियंस हैं और इतना अच्छा हमने पोखरण में टेस्ट किया था। आखिरी में जब जॉन अब्राहम रोता है तो हम भी रोते हैं उसके साथ। और ये फिल्म मैं बोलना चाहूंगा कि जॉन अब्राहम की करियर बेस्ट एक्टिंग है, बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस है उसकी और वो प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने कोर्ट में लड़के इस फिल्म को रिलीज करा है। तो जॉन अब्राहम मतलब बहुत सटल लगे हैं और उनका बहुत चार्मिंग तो वही। और ये मेरी वाइफ इस फिल्म को इस वीडियो को बना रही है तो मैं बोलना चाहूंगा डायना पेंटी बहुत खूबसूरत है इसके बाद भी। और इस फिल्म में बोमन ईरानी है, छोटा सा रोल है पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है, छोटे से रोल में भी आपको मजा आ जाता है, वो आप उनसे प्यार करते हो, उनके छोटे से रोल में भी आप पे छाप छोड़ देते हैं। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार्स। तो ये फिल्म जॉन के लिए नहीं, डायना के लिए नहीं और अगर बम्मन के लिए नहीं तो अपने देश के लिए जरूर देखिए इस फिल्म को। जो दूसरे भी टीम मेंबर्स हैं इसमें सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी है। योगेंद्र टीकू जो योगेश टीकू हैं, जो ओल्ड एज इंसान है, उन्होंने बहुत कॉमेडी करी है, वो शाइन करते हैं अपने रोल में। तो ऑल इन ऑल इस फिल्म को 4 स्टार जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।